हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में जो हमारा सल्फा औषधियां चल रही थी, उन सल्फा औषधियों के अंदर हमने आपको उसके निर्माण की विधि आपको बताई थी। एनिलिन के साथ एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया हमने कराई थी। आपका एसिटिलाइड आपका बना था। सल्फ्यूरस क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई, एन एसिटिल सल्फोनेम क्लोराइड बना था आपका। इसके बाद में सांथोनियम के साथ अभिक्रिया कराने पर एन एसिटिल सल्फोनोमाइड बना, और जल अपघटन कराने पर सल्फोनोमाइड औषधि का निर्माण हो गया। अब हम कुछ सल्फा औषधियां निम्न है, कुछ सल्फा औषधियां निम्न है, कुछ सल्फा औषधियां निम्न है, और उनमें नंबर एक है अपनी सल्फा पीरिडीन। सल्फा पीरिडीन, ये सल्फा पीरिडीन जो है निमोनिया के इलाज में प्रयुक्त प्रभावी होती है। यह निमोनिया के इलाज में प्रयुक्त प्रभावी होती है। ये देखिए, निमोनिया के इलाज में प्रयुक्त प्रभावी औषधि है। प्रयुक्त प्रभावी औषधि है, प्रभावी औषधि है जो सल्फोनिलमाइड से भी अधिक प्रभावी है, जो आपके सल्फेनिलमाइड से भी अधिक प्रभावी है। ये देखिए, सल्फापीरिडीन जो है निमोनिया के इलाज में प्रयुक्त प्रभावी औषधि है, जो सल्फेनिलमाइड से भी अधिक प्रभावी है। आप देखिए स्टूडेंट्स, हम इसके निर्माण की विधि पढ़ रहे हैं, तो ये देखिए CH3CONH और ये आपके ये SO2 CN, यानी एन एसिटिल सल्फोनेम क्लोराइड, एन एसिटिल सल्फोनेम क्लोराइड, सल्फोनेम क्लोराइड की अभिक्रिया हम 2-अमीनो पीरिडीन के साथ कराते हैं। 2-अमीनो पीरिडीन के साथ कराते हैं। यह आपका NH और NH, 2-अमीनो पीरिडीन, NH2SO4 के हमने लिख दिया, और ये HCl आपका बाहर निकल गया। ये देखिए, ये HCl आपका बाहर निकल गया, और ये देखिए आपका HCl आपका बाहर निकलने के बाद में ये बन गया आपका CH3CONH और ये आपका मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण हो गया। अब इसका देखिए हम जल अपघटन कराते हैं। ये आपका जो बना है CH3CONH
इसका हम जल अवघटन कराते हैं SO2NH, और ये है। अब यदि हम इसका जल अवघटन कराते हैं H2H के साथ तो ये H को आपका यहां जाके जुड़ गया और ये OH इसके साथ जाके बन गया, तो ये देखिए आपका बन गया बारे में आपको हमने पढ़ाया था किस प्रकार से बनती हैं, और आज के वीडियो में हम कुछ सल्फा औषधियां पढ़ेंगे और उनमें देखिए सल्फा पीरिडिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी के अंदर ये आती रहती है, तो उनमें से हमने पहली औषधि जो है आपकी सल्फा पीरिडिन, यह निमोनिया के इलाज में प्रयुक्त प्रभावी औषधि है जो से भी अधिक प्रभावी है। आप देखिए सेल्फोनेट जो है आपका जो कि 2-अमीनो पीरिडिन के साथ अभिक्रिया 2-अमीनो पीरिडिन के साथ अभिक्रिया करता है, आपके एसिड का बाहर निकल जाएगा आपका और ये मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद में देखिए इसका हमने जल अवघटन करा दिया आपका, और जल अवघटन कराने पर यह हमारा जल अवघटन हो गया आपका जल अवघटन ये लिए। और जल अवघटन कराने के बाद में हमारा मेन सेल्फा पीरिडिन का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन सेल्फा पीरिडिन, निम्न पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, कई बार यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रश्न आता रहता है। अब इसी महत्वपूर्ण औषधियों के अंदर हम नंबर दूसरी पढ़ेंगे वो है सल्फा थायोजॉ या सीवा जॉ। नंबर दूसरी जो आपकी कुछ सल्फा औषधियां हैं उनके अंदर ये आपका दूसरा टॉपिक है सल्फा, दूसरा टॉपिक है सल्फा थायोजॉ, सल्फा थाया या सीवा जॉल या सीवा जॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या सीवा जॉल सेल्फा थायोजॉल या सीवा जॉल ये लीजिए। यह सेल्फा पीरिडिन की तुलना में अधिक प्रभावी है, यह सल्फा पीरिडिन की तुलना में अधिक प्रभावी व कम विषैले होती है, कम विषैली होती है
जिसका प्रयोग तीव्र संक्रमण में किया जाता है, जिसका प्रयोग तीव्र संक्रमण में किया जाता है। ये तो आप दूसरी जो महत्वपूर्ण औषधि पढ़े हैं, ये सल्फापिरिडिन की तुलना में अधिक प्रभावी बैकग्राउंड विषैली होती है, जिसका प्रयोग तीव्र संक्रमण में किया जाता है। आप देखिए एनएसएटिन सल्फोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया जो है 2-एमिनो थायोजोल के साथ कराते हैं। यहां पर आपको ये देखिए, ये आपका ये प्लस और ये सल्फर, ये लीजिए सीएल, ये प्लस एच एन एच, ये सल्फर आपका और ये आपका नाइट्रोजन आपका यहाँ और ये हो गया आपका 2-एमिनो थायाजोल। ये आप देखिए एससीएल आपका बाहर निकल गया, एससीएल आपका बाहर निकल गया और इस प्रकार से ये देखिए ये आपका एनएच यहाँ पर आपका बॉन्ड और ये एस एन और ये बन। अगली घटना में हम इसका जल अपघटन करा देंगे, जो प्राप्त उत्पाद है आपका CH3COMH या आपका SO2NH और ये N, ये सिल आपको बात निकल गया, हमने इसका जल अपघटन करा दिया HOH। H आपका यहाँ जुड़ गया, OH आपका यहाँ इसके साथ और इस प्रकार से देखिए ये NH2 और ये आपका SO2NH और ये आपका S और ये N और ये और ये CH3COOH ये बन गया। तो सल्फा थायोजोल का निर्माण ये हो गया आपका सल्फा थायाजोल और ये एसिटिक अम्ल का निर्माण हो गया। ये सब हम सल्फा औषधियां पढ़ते हैं जो कि मेडिसिन के अंदर बहुत काम आती है और केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं। पहले जो हमने पढ़ी थी सल्फा पिरिडिन पढ़ी, जिसका उपयोग निमोनिया के इलाज में किया जाता है, निमोनिया के इलाज में उपयोग किया जाता है। और दूसरा जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आपका सल्फा थायाजोल या सीधा जोल। ये देखिए सल्फा पिरिडिन की तुलना में अधिक प्रभावी बैकग्राउंड विषैली होती है, जिसका प्रयोग तीव्र संक्रमणों में किया जाता है। घातक जो वायरस होते हैं उनके अंदर इस औषधि का उपयोग किया जाता है। एनएसएटिन सल्फोनिल क्लोराइड 2-एमिनो थायाजोल के साथ अभिक्रिया कराते हैं और देखिए क्रिया हमने कराने के बाद में एससीएल आपका बाहर निकल गया है और ये आपका
जल अपघटन हमने करा दिया, इस प्रकार से सल्फर थाया जल का निर्माण हो गया और ये एसिड के अम्ल आपके पास हमने इसका सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने कुछ सल्फा औषधियों के अंदर पहला हमने सल्फा ग्रेडिएंट पढ़ा था। सल्फा ग्रेडिएंट जो है मधुमेह के इलाज में प्रयुक्त एक प्रभावी औषधि होती है जो सल्फोनिलमाइड से भी अधिक प्रभावी होती है। और ये दूसरी जो हम सल्फा थायराजोल या सल्फाजोल सल्फा ग्रेडिएंट की तुलना में अधिक प्रभावी वे कम विषैले होते हैं जिसका प्रयोग तीव्र संक्रमणों में किया जाता है। अब अगले हम पढ़ेंगे सल्फा डाइएथिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी हम जो महत्वपूर्ण औषधि पढ़ेंगे वो है हमारी सल्फा डाइएथिन। कुछ सल्फा औषधियां हम पढ़ रहे हैं, तीसरी औषधि का नाम है आपकी सल्फा डाइएथिन, तीसरी औषधि है आपकी सल्फा डाइएथिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी, यह हल्के संक्रमणों में प्रयुक्त होती है, यह हल्के संक्रमणों में हल्के संक्रमणों में प्रयुक्त होती है जो सल्फा थायराजोल से कम विषैली होती है, कम विषैली होती है, कम विषैली होती है, यह सबसे अधिक प्रयुक्त की जाती है, यह सबसे अधिक प्रयुक्त की जाती है। ये लीजिए, आप देखिए हम यह आपका सीएस3 CONH ये भी और SO2 भी है, ये हो गया आपका एन एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड, एन एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया जो है हम 2-amino पिरिमिडीन के साथ कराते हैं। तो ये देखिए हमारा ये जो है हमारा NH और ये हो गया हमारा
अब इसके बाद में श्राम जल पाठक करा रहे हैं, रात को मध्यवर्ती उपाय बना है, ये देखिए आपका सिंहस्त्री सीओ एन एच आपका, और ये आपका एस ओ टू एन एच, और ये आपका एन, और ये आपका एन, ये डबल वन आपका, ये आपका ये रहा, और ये हमने जब आपका ये हमारा एच एच हो गया, ओ एच हमारा यहाँ आ गया, तो ये हमारा उत्पाद बन गया सी एस थ्री सी ओ एन एच, और ये हमारा एस ओ टू एन एच, ये एन आपका, ये डबल मोड आपका, ये और सी डबल, ये आपका उत्पाद बन गया सेल्फा डाई एजिन, सेल्फा सेल्फा डाई एजिन, और ये हमारा सेल्फा एसिड अम्ल बन गया, ये अपने जल अपघटन करा दिया, जल अपघटन यही सल्फा डाइएजिन, सल्फा डाइएजिन, सल्फा डाइएजिन, ये लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सर्व औषधियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और हम तीसरे प्रकार की औषधि के बारे में हम पढ़ रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सेल्फा डाइएजिन यह हल्के संक्रमणों में प्रयुक्त होती है जो सेल्फा थायरॉइड से कम विषैली होती है और सबसे अधिक इसे प्रयुक्त की जाती है। एनएसएटिक सल्फोनिल प्रोवाइड करके आपको एमिनो पिरिमिडिन के साथ कराते हैं, आपका एससीएल आपका भारत के साथ होता है, मध्यवर्ती उत्पाद का निर्माण हो जाता है, फिर इसका हम जल अपघटन करते हैं तो सेल्फा डाइएजिन, सेल्फा डाई डाइएजिन का निर्माण हो जाता है और ऐसे भी कम आपका भारत हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमने पहली औषधि सेल्फा पिरिडिन सीवाजोन आपको पढ़ाई, यानी सेल्फा थायरोजोन के बारे में हमने पढ़ाया था, और तीसरी सेल्फा डाइएजिन के बारे में हमने जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसी हम प्रकार से हम चौथी औषधि के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम के अंदर शॉर्ट कैप्टन के रूप में इन सल्फा औषधियों को पूछा जाता है। आप देखिए नेक्स्ट हमारी चौथी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सल्फा डी, ये देखिए चौथा प्रकार है हमारा सेल्फा गु ए, सेल्फा गु ए डी, ये देखिए सेल्फा गु ए डी, आप देखिए ये भी हमारी सर्विस का प्रयोग पेचिस के रूप में इसका उपयोग पेचिस रोग के उपचार में करते हैं, पेचिस यानी दस्त, पेचिस रोग के उपचार में करते हैं, ये उपचार में करते हैं, आंतों के द्वारा इसका अवशोषण कम होता है, आंतों के द्वारा इसका अवशोषण अवशोषण कम होता है, आंतों के द्वारा इसका अवशोषण कम होता है,
इसे अधिक मात्रा में दिया जाता है। इसे अधिक मात्रा में लिया जाता है। इस औषधि का उपयोग हम अधिक मात्रा में करते हैं। ये पेचिस रोग के उपचार में काम आती है। आप देखिए एनएसिटिल सल्फोनिक क्लोराइड आपका CH3CONH आपका और ये भी SO2CN एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया जो है आपकी ब्लू एलईडी NH आपका और ये आपका सी बॉन्ड NH टू डबल बॉन्ड NH गू एलईडी ये HCl आपका बाहर निकल गया और ये CH3CONH और ये SO2NH CNH2 डबल बॉन्ड NH और ये आपका HCl ये लीजिए। अब इसका हम जरा बदल करा देते हैं तो देखिए CH3CONH SO2NH C bond NH2 डबल बॉन्ड NH HOH ये तो आपका H और ये आपका OH तो ये लिखिए आपका NH2 ये हो गया और ये SO2 NH2 डबल बॉन्ड NH और ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड NH ये हो गया आपका सल्फा GuNDOH और ये आपका ये लीजिए। तो देखिए इस वर्ष में बहुत ही इम्पोर्टेंट हमने आपको औषधियों के बारे में सल्फा औषधियों के बारे में पढ़ाया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए सल्फर टू एनएडी इसका प्रयोग पेचिस रोग के उपचार में करते हैं। आंतों के द्वारा इसका अवशोषण कम होता है इसलिए इसे अधिक मात्रा में लिया जाता है। पेचिस नंबर 10 रन करते हैं तो NSPN सल्फोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया के साथ कराते हैं तो ये हमारा मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण होता है। ऐसे हमारा बाहर निकल जाता है फिर इसका हम जल अपघटन कराते हैं। ये जल अपघटन कराने पर जल अपघटन कराने पर हमारा सल्फर टू एनएडी का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स हमने आज के वीडियो में बेसिक थर्ड ईयर के बच्चों को जो है हमने चार औषधियों के बारे में आपको बताया है। सबसे पहली औषधि जो है हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण थी जो निमोनिया के इलाज में प्रयुक्त होती है वो है सल्फापिरिडिन। दूसरी है हमारी सल्फाथायोजोल या सिबाजोल। यह सल्फापिरिडिन की तुलना में अधिक प्रभावी व कम विषैली होती है। इसका प्रयोग तीव्र संक्रमणों में किया जाता है। तीसरी हमारी है सल्फा डायलेजिन। यह हल्के संक्रमणों में प्रयुक्त होती है जो सल्फा थायोजोल से कम विषैली होती है और यह सबसे अधिक मात्रा में काम में ली जाती है। इसके बाद में देखिए हमारे लास्ट जो हमने जो आपको पढ़ाया चौथे नंबर की सल्फा टू एनएडी इसका प्रयोग पेचिस के रोग के उपचार में करते हैं। आंतों के द्वारा इसका अवशोषण कम होता है इसे अधिक मात्रा में लिया जाता है इस कारण से। तो आज हमने
महत्वपूर्ण औषधियों के बारे में पढ़ा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, और यूनिवर्सिटी के अंदर ये औषधियाँ जो सर्वा औषधियाँ हैं ये शॉर्ट टिप्पणी के रूप में इन्हें पूछा जाता है। आपके शेरपा ग्रेडिंग शेरपा थायोजोन सीमाजोन या शेरपा डायलाजिन और शेरपा कोविनेडिन, ये चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट औषधियाँ हैं और आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम अगली औषधियों के बारे में पढ़ेंगे।